इस रोड के जीर्ण होने से हम कारोबारियों का कारोबार ठंडा हो गया है। जल भराव की तो समस्या है ही, साथ ही एक्सीडेंट के भी तो बड़े वो है मामले, कि पानी भरा रहेगा, वो सब सब करेगा, स्कूल खुलेंगे, बच्चों के आवाज जाने में कितनी दिक्कतें होंगी। सर से बहुत नुकसान झेलना पड़ रहा हम लोग को, मतलब ये समझ लीजिए कि कारोबार चौपटी समझ लो खासतौर से इस एरिया में आसपास। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का JJN न्यूज़ में। मैं हूँ आपके साथ रक्षित टंडन, और आज हम पहुँचे हैं हल्द्वानी के मुख्यतम जगहों में, जहाँ पे आज आपको ज़मीनी हकीकत दिखाएंगे कि सरकार के बड़े बड़े वादे रहते हैं। चुनाव से पहले हर पार्टी के कार्यकर्ता सरकार लोगों से वादे करती है कि ज़मीनी मुद्दों को लेकर हम रोड बनवाएंगे, सड़कों पर अच्छी सड़कें रखेंगे, पानी की सुविधा को पूरी रखेंगे, बिजली को पूरी तरीके से अच्छी तरीके से रखेंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं, पिछले कुछ दिनों में हमने आपको दिखाया कि हल्द्वानी में क्या समस्या है बिजली पानी को लेकर, तो आज हम पहुंचे हैं JJN की टीम के साथ आपको ये दिखाने कि ज़मीनी हकीकत क्या है। इस समय मैं मौजूद हूँ तिकोनिया चौराहे पर, जहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि रोडों का क्या हाल हो चुका है, किस तरीके से रोडों में लोगों को चलने में समस्या आ रही है, आए दिन एक्सीडेंट का कारण बनती है ये हल्द्वानी की रोड है। तो आइए चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। और सर, किस तरीके की समस्या आती है? मुख्य चौराहे है, अगर हम बात करूँ इसी रोड से, आज से लगभग एक साल पहले मोदी जी आए थे और ये रोड को उस समय काफ़ी अच्छा बनाया था, लेकिन अब इस रोड का वही हाल हो चुका है जो पहले था। तो क्या कहना चाहेंगे सरकार से? सरकार से हम ये कहना चाहेंगे कि इस रोड के जीर्ण होने से हम कारोबारियों का कारोबार ठंडा हो गया है। चलता आदमी यहाँ पर रुकता नहीं है। जिसको मालूम है कि ये रोड खंडहर में तब्दील है, तो वो आदमी इस रोड से नहीं निकलना चाहता है। और अगर मैं बात करूँ, अभी कुछ टाइम पहले इलेक्शन निपटे हैं, इलेक्शन में बहुत वादे थे सरकार के हर पार्टियों के, तो क्या कहना चाहेंगे उनको लेके? मुझे तो लगता है कि ये सरकार 2024 से पहले इस रोड को नहीं बनाएगी। और व्यापार में क्या दिक्कतें आती हैं? व्यापार में तो दिक्कत ही दिक्कत हैं, काम कारोबार सब ठंडे हो गए हैं, काम कारोबार है ही नहीं कुछ। हमारा कारोबार पूरा इसमें ठप पड़ा हुआ है, इसमें पूरी धूली धूल दुकान के अंदर आ जा रही है, जिसकी वजह से क्या कहते हैं कि अब हमारे पास कोई बच्चे पालने हैं, परिवार चलाना है, तो दुकान तो खोलनी पड़ती है। लेकिन यह है कि वो नुकसान बहुत हो रहा है इस समय, ना कोई नया माल रख सकते दुकान पर गए, और कस्टमर भी आने से कतराता है कि धूल धूल है, बाजार निकल जाता है। इस तरह से बहुत नुकसान झेलना पड़ रहा है हम लोग को, मतलब ये समझ लीजिए कि कारोबार चौपटी समझ लो खासतौर से इस एरिया में आसपास। अब चूँकि मजबूरी है कि हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि ये सरकार की अपनी योजनाएँ होती हैं, और हमारे जो पार्षद होते हैं उनसे बात करो, वो भी कहेंगे साहब अब काम चल रहा है तो परेशानी तो उठानी पड़ेगी। तो अब हम चुप हो जाते हैं, क्या करा जाए, कुछ करके, बड़ा काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है ये, तो परेशानी तो उठा रही हैं, क्या करें, लेकिन नुकसान तो हो ही रहा है दुकानदारों को हम लोग का। और जैसे कि अभी तो बरसात आने वाली है, तो काफ़ी दिक्कतें होंगी। बारिश में तो देखिए, ऐसा है कि बारिश में तो ये मान चलिए कि यहाँ जल का भराव ऐसा होगा कि मुझे लगता है दुकान के अंदर पानी आना शुरू हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। क्या नाम है भैया आपका? विवेक। विवेक जी, क्या दिक्कतें आती हैं इस रोड से? आपका कपड़े का व्यापार है और बहुत प्रॉब्लम होती है यहाँ पे, धूल उड़ती है कि यार, हर कोई गाड़ी जाती है, धूल ही धूल है, और पत्थर भी आते हैं उड़ उड़ के, उसमें लगते हैं यार, बहुत प्रॉब्लम होती है। तो क्या नुकसान होता है आपको इस कपड़ों में? तो बहुत नुकसान होता है, धूल जम जाती है, कितने वेस्ट हो गएंगी, बहुत चेंज कर दिए कपड़े वगैरह, बहुत कुछ हो गया। और ये देखो, अगर हवा चलती है ना, सारी धूल मिट्टी सब यहीं आती है अंदर, अभी भी धूल जमी होगी ऊपर कपड़ों में। अभी देखो 15 दिन बाद मानसून आने वाला है और बरसात का मौसम है, और इस रोड में अगर इसी तरीके की दिक्कत रही, हाँ, लोगों को दिक्कत होगी, क्या कहना चाहेंगे इसमें? क्या मैं तो ये कह रहा हूँ कि बहुत जल्दी हो रहा है, सुन ही नहीं रहा कोई भी, कुछ नहीं हो रहा। जितने लोग हैं प्रशासन से कुछ बात करी इसको? अभी तो फिलहाल बोला तो था एक आध जनों से, लेकिन हुआ ही नहीं कुछ भी। क्या नाम है? मेरा नाम नरेंद्र सिंह। क्या दिक्कतें आती हैं जो रोड है, लगभग 2-2.5 महीने से रोड टूटी हुई है, और क्या दिक्कतें हैं इस रोड की वजह से यहाँ जो कॉम्प्लेक्स में लोग बाज? दिक्कत यही है, रोड से मतलब आवाजाही कम हो गई है, और चाहे तो हमारे अपने बिजनेस में इफेक्ट पड़ा हुआ है, और आपके रोड से मतलब जो चल रहे हैं आदमी, उनको दिक्कत है, कोई अपना गिर बैठ रहा है, किसी को हाथ पाँव में लग जा रही है, यही दिक्कत है। जो हम तो चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द रोड बने और हम बिजनेस हमारा सबका वो बढ़े आगे। बहुत सारी दिक्कतें हैं सर, एक तो यहाँ पे लोगों का आना जाना बिल्कुल पूरी तरह से बंद हो गया था, उससे हमारे जो बिज़नेस है उसमें भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है। लोगों का आना जाना आप रोड में देख सकते हो, इक्का दुक्का लोग हैं, और आए दिन इसमें एक्सीडेंट भी होते रहते हैं, दुर्घटनाएँ होते रहती हैं, कई बार बाइकें पलट जाती हैं, कई बार स्कूटी स्लिप जाती हैं लड़कियों से, है ना,
तो दिक्कत ये है। और बाकी धूल से हमारा जो दुकान का सामान है वो पूरा ख़राब हो जाता है, धूल धक्कड़ काफ़ी हो जाती है। और सर यही है, बाकी सबसे बड़ा इम्पैक्ट हमारा जो है बिजनेस में बड़ा हुआ है, जो कि हमारी सेल काफ़ी डिक्रीज़ हो गई है इन दिनों में, जब से ये टूटा हुआ है बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा हुआ है सर इससे। तो पूरा कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स में कोई प्रशासन अधिकारी से किसी ने बात की हो इस रोड को लेकर, इस मुद्दे को लेकर? नहीं सर, अभी तक तो ऐसा कोई भी नहीं आए हैं जो हमारी सुध लेने के लिए आए यहाँ पे। अंकल अभी लगभग 15 दिन बाद मानसून आ जाएगा और मानसून में बारिश काफ़ी रहती है, तो रोडों में जल भराव भी होने की समस्या रहती है? नहीं, जल भराव की तो समस्या है ही, साथ ही एक्सीडेंट के भी तो बड़े वो हैं मामले, कि पानी भरा रहेगा वो छप जब करेगा, स्कूल खुलेंगे, बच्चों के आवाज जाने में कितनी दिक्कतें होंगी, इसका तो कोई मतलब वो थोड़ा है कि मतलब ये कल अभी तो यहाँ अभी नहीं है, अभी 1 तारीख से ये बच्चे खुलेंगे, मानसून आने के बाद कौन करेगा इसको? तो अंकल कभी यहाँ के मोहल्ले वालों ने या यहाँ के लोगों ने प्रशासनिक अधिकारियों से बात की इसको लेकर? नहीं नहीं, कुछ नहीं किया, उनने तो सब वो अपना उल्लू सीधा करने वाले हैं, यहाँ के कोई लोग इस किस्म की बातचीत नहीं करते हैं, अगर वो करते तो ये जरूर ये हो जाता आज का, कब का ही हो जाता। तो आज हमने बात की लोगों से और ज़मीनी हकीकत लोगों से जानी कि कितने टाइम से उनकी रोडें ख़राब हैं, क्या कारण है रोड ख़राब होने का, किस वजह से रोडें ठीक नहीं हो पा रही हैं। लोगों का कहना है कि काफ़ी व्यापार में लोगों को नुकसान हो रहा है, आए दिन लोगों के दुकानों में धूल घुसती है, लोगों के नुकसान होता है, लोगों की इनकी कपड़ों की दुकानों में, जनरल स्टोर में काफ़ी लोगों का नुकसान होता है। लोगों का कहना है कि हमने यहाँ के पार्षद से बात की और उनसे पूछा कि कब तक ये रोड का समाधान हो सकता है, तो उनका कहना था कि अभी इसको लेके यहाँ पे सीवर पाइपलाइन का काम चल रहा है, जिसको लेके रोड अभी बरसात के बाद ही बनाई जाएगी। तो लोगों ने काफ़ी अपनी परेशानियों को हमारे सामने रखा। मैं अपने सहयोगी रोहित के साथ रक्षित टंडन, JJN News, धन्यवाद।